हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी और इंस्टेंट बनने वाली एकदम रबड़ीदार खीर की रेसिपी। और ये हम बनाने वाले बहुत कम चीनी के साथ, और इसमें आपको केवल 2 ग्लास दूध का ही यूज़ करना है। और टेस्ट में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है फ्रेंड्स, तो एकदम लच्छेदार बनेगी, कोई पहचान नहीं सकता कि आपने सिंपल दूध से बनाई है बिना किसी रबड़ी के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेने हैं राइस। राइस मैंने यहाँ पे डोसा वाला लिया है, आप सिंपल भी ले सकते हैं। और इसे 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था पानी में। अभी ग्राइंडिंग जार में ये चावल के साथ पानी डालेंगे और इसे हम सिंपली ब्लेंड कर लेंगे। पल्स करके चलाइए, यानी आप रोक रोक के चलाइए, तभी ये जो चावल है उसके एकदम बढ़िया टुकड़े होंगे। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी के पिघलते ही हम इसमें डाल दें कुछ ड्राई फ्रूट। सबसे पहले डाल देंगे बादाम, किशमिश और इसके बाद नारियल। अभी ये जो छुहारा है जिसे हम डेट्स भी कहते हैं, उसे हम बचा के रखेंगे, वो बाद में यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को एकदम मैंने मीडियम रखा है। अगर इन्हें आप क्रिस्पी कर लेंगे तब ये खीर में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आते हैं, इसीलिए आप इन्हें एक बार फ्राई कर लें। और 2-3 मिनट फ्राई होने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए आप, इन्हें मैंने रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप गुनगुना दूध लिया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला देंगे, ये हम खीर में यूज़ करेंगे। इसे यूज़ करने से जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए जो हमारा मिक्स है मिल्क पाउडर का, वो एकदम रेडी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 ग्लास दूध, और दूध को हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे चावल का जो पेस्ट बना था वो भी ऐड कर दिया है। अभी हमें इसमें उबाल आने देना है, बाद में हम इसमें बासमती चावल ऐड करेंगे। खीर बनाने के लिए आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। मैंने दूध जो है पहले से उबाल कर लिया है, उससे खीर ज़्यादा रबड़ीदार बनेगी। और इसमें एक उबाल आने दें, और ये देखिए उबाल आ गया। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब बासमती चावल डाल देंगे, ये हमने पहले से भिगो कर रख दिए थे। और 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और 5 मिनट बाद का स्टेज ये देखिए आप, जो मलाई है साइड में कढ़ाई के लगने लगी है। साइड से स्क्रैच करते हुए इसे बीच में लाएंगे, और ऐसे ही आपको इन्हें पकाना है जब तक कि चावल जो है वो अच्छे से पक नहीं जाते। अभी आप देखिए छोटे छोटे टुकड़े जो है चावल के दिख रहे हैं, जब ये अच्छे से पक जाएगी तभी टुकड़े जो है एकदम फूल जाएंगे, जैसे साबूदाना रहता है बिल्कुल वैसे ही, और खीर का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए एक चावल मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए अब जो चावल है एकदम बढ़िया से टूट रहा है, यानी जो खीर है वो 80% पक चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब डेट्स जो हमने बचा के रखे थे। इन्हें फ्राई करके नहीं हमने डाला, इन्हें हमने ऐसे इसलिए डाला क्योंकि अगर इन्हें फ्राई करके डालते तब जो इनका टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा था, लेकिन ये हमने क्योंकि अभी डाला है तो इसके जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आएगा। और इसमें चीनी भी कम यूज़ करनी पड़ेगी फिर हमें, क्योंकि जो डेट्स है उसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है। और ये देखिए जो खीर है वो एकदम बढ़िया से पक गई है, करीबन 10 मिनट लगे हैं पकाने में। अब हम यहाँ पे 1 इलायची डाल देंगे क्रश की हुई, इसके बाद ये मिल्क पाउडर का पेस्ट डाल देंगे, और इसके साथ ही साथ आधा कप के करीब चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने कम यूज़ की है क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि ये रेसिपी में हम बहुत कम यूज़ करेंगे चीनी का, और हमने इसमें डेट्स का भी यूज़ किया जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप एक बार ये खीर ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए 2 से 3 मिनट इसे मिल्क पाउडर के साथ पकाया मैंने, और ये हमारी गर्मा गर्म एकदम रबड़ीदार खीर बन के तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसकी सर्विंग करते हैं। और ये देखिए आप, निकालने से ही आपको लग रहा होगा कितनी ज़्यादा गाढ़ी बनी है, कोई पहचान नहीं सकते कि आपने इसे केवल 2 ग्लास दूध से बनाया है और इसमें मावा वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया। तो ये हमारी गर्मा गर्म खीर तैयार है। ऊपर से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये हमने पहले से फ्राई करके रखे थे, इनकी जो क्रिस्पीनेस है वो बहुत बढ़िया लगती है खीर में। तो आप एक बार ये खीर ज़रूर बना के ट्राई करें, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।